सभी भाइयों को सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ भोपाल पिजन्स के अंदर। और आज फिर हम जबलपुर में ही हैं अभी, तो जबलपुर के कबूतरों का शो करा रहे हैं। और आज हम खड़े हुए हैं हाशिम भाई की छत पे, और हाशिम भाई का साथ देते हैं हमारे रिजवान भाई। हाशिम भाई सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों जी। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा साहब, कब से शौक चल रहा है अपना कबूतरबाजी का? जी कबूतरबाजी का शौक तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ जी, 10 साल की उम्र से कर रहा हूँ। लेकिन जी, और हमारे यहाँ जबलपुर में पहले देसी कबूतरों का शौक किया जाता था, गिरेवास कबूतरों का जी। और मैं भी देसी कबूतरों का ही शौक करता था जी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, समय के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से यहाँ पे मद्रासी और पंजाबी कबूतरों का शौक होने लगा जबलपुर में। तो अपन ने देखा कि भाई जब कॉम्पिटिशन में अगर अपन भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो गिरेवास कबूतरों से अपन उनसे पार नहीं पा रहे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसीलिए अलग ही अलग नस्लें। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देसी कबूतर क्या है, बंद होके उड़ता है जी हाँ, और ये पंजाबी और मद्रासी कबूतर जो है टुकड़ियों में उड़ता है। बिल्कुल। तो उनकी टाइमिंग जो होती है, घंटे होते हैं, सब एक से होते हैं। और गिरेवास कबूतर कोई जल्दी बैठ जाता है, कोई लेट बैठता है जी। हाँ सही बात। तो उस हिसाब से मतलब बहुत फर्क है गिरेवास कबूतरों में और पंजाबी में। मजा ज्यादा किसमें आता है आपको अभी भी? नहीं अभी भी, लेकिन मजा तो गिरेवास कबूतर से अच्छे कबूतरों की उड़ान नहीं है जी। जो खूबसूरती जो बंद होता है और उसको जो देखते सारे अलग है। लेकिन अब कंपटीशन के हिसाब से अगर भाई शौक कर रहे हैं अपन, तो फिर समय के हिसाब से हमने भी फिर कबूतर बदले हैं। अभी एक साल भी नहीं हुए जी, और अभी पिछले साल ही गर्मी के पहले हमने 2 महीने पहले गर्मी के कुछ कबूतर हैं हमारे दोस्त भाई वहाँ से लेके आए थे, कुछ रायपुर से भी लाए थे जी। तो उनमें के ही बना के गर्मी में भी शौक किए थे, और अभी सर्दियों में भी जो है वही कबूतर हम लोगों ने उड़ाया है। मतलब यहाँ पे जबलपुर के बारे में बताना चाहूँगा, जबलपुर और भोपाल का हिसाब किताब बिल्कुल बराबर का है। गर्मी का शौक भी होता है, सर्दी का शौक भी होता है, यानी कि मज़ा जो है वो 8 महीने उठा सकता है, और 4 महीने जो होती है वो ब्रीडिंग करवा सकता है जी, बाकी 8 महीने उड़ान की तैयारी पूरी। तो इसमें अलग ही मज़ा है 8 महीने कबूतरबाजी करने का। तो हाशिम भाई एक और, हाशिम भाई एक और क्वेश्चन पूछना था जी, कि उस्ताद हैं आपके या अपने आप ही आपने पूरा ट्राई करा? हम लोगों के यहाँ तो भाई ऐसा है कि अभी तक हम लोगों ने किसी को उस्ताद नहीं बनाया जी। हम लोग जो कबूतरबाजी करते हैं, हमारे साथ के जितने भी दोस्त भाई हैं, सब एक दूसरे की सहमति से थोड़ा उसी हिसाब से कबूतरबाजी अभी तो चल रही है जी। और आगे चल के इंशाल्लाह उस्ताद भी बनाएंगे, कोशिश है जी। भाई हमें लगेगा कि हाँ भाई कोई उस्ताद बनाने लायक है, तो फिर उस्ताद भी इंशाल्लाह बनाएंगे अभी। और रिजवान भाई क्या सपोर्ट करते हैं आपका? रिजवान भाई हमारे समझिए छोटे भाई हैं जी, और इनका काम ये रहता है कि ये शाम को आते हैं, डेली का काम है इनका, और कबूतरों को दाना पानी चुनाना है, उनकी देख रेख करना है, बाकी हम लोगों का ध्यान रखना है। सुबह आपका काम रहता है, सुबह पूरा उड़ाना, कबूतर उड़ाना और कबूतर देखना, और कबूतर हर चीज में अपना रहता है। रिजवान भाई शाम को आके कबूतरों को दाना पानी कर। चलिए ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं अभी, कबूतर भी बहुत ज्यादा है भाई के पास में, तो देखभाल भी आसान नहीं है। तो अपन नई शुरुआत करते हैं देखने से कबूतरों की आंख वगैरह, आप देखें मजा आएगा आपको। थैंक यू, प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आपको पूरा शो कराया जाएगा कबूतरों का। तो आप देख सकते हैं हाशिम भाई के पास बहुत बेहतरीन मद्रासी कबूतर हैं ये सारे के सारे, और कबूतर बहुत ज़्यादा हैं, और ये सारे ब्रीडर्स हैं। मेन चीज़ क्या है, ये ब्रीडर्स हैं। और आज आपको पहली बार मैं रात में कबूतरों का शो कराऊंगा, क्योंकि 6:30-7 बजने को हैं और अंधेरा पूरा है, और मद्रासी कबूतरों की जो छत होती है उनमें लाइटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त रहती है, तो इस वजह से शौक भी आसानी से कराया जा सकता है रात को। तो फ्रेंड्स आप सपोर्ट कीजिए, और मेरे को बताइएगा रात में भी शौक करना कैसा रहा कबूतरों का, और आँख वगैरह कैसी आई कबूतरों की, ये ज़रूर बताइएगा। और इनका एक बार लॉफ्ट का और डिज़ाइन में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये छत बहुत बड़ी है, इस साइड ये ब्रीडिंग लॉफ्ट है, और इस साइड ये उड़ाने वालों का, उड़ने वाले कबूतरों का सेटअप है। ये इस साइड पूरा उड़ने वालों का है, और ये बैठने की जगह है, और इस तरफ ये हेलोजन लाइट लगी हुई है, ताकि कबूतर रात में भी उड़ के आराम से बैठें, और रात में भी ट्राई करवाया इन्होंने, रात में भी कबूतर उड़ाए। तो चलें अपन शौक की शुरुआत करते हैं जोड़ों से, जोड़े वाले कबूतरों से। तो हाशिम भाई शुरुआत कौन से कबूतरों से करा रहे हैं? जी ये मद्रासी कबूतर हैं जी, और मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मेरे बड़े भाई हैं जी, जो रायपुर शहर में हैं जी, तो ये सब उनके यहाँ के कबूतर हैं,
और वहाँ से ला के मैंने और कुछ कबूतर वहाँ से खरीद के भी मैंने लाया हूँ जी। तो ये कबूतर ये सारे जो बना के इनके बच्चे उड़ा रहा हूँ मैं जी। और भी हैं तो आप इनको देख सकते हैं, ये इन कबूतरों की आँख है। ये इनके पर हैं जी हाँ, और इन कबूतरों के ये पंजे हैं। क्या हम लोग ज़्यादा पकड़ते नहीं हैं इनको? हाँ, वो मदरासी कबूतर ताकतवर भी बहुत होता है। ये इनके पंजे हैं जी, ये नर है और इसको छोड़ता हूँ, ये इसकी मादा है। ये मादा है उसकी जी। इनका रिजल्ट क्या रहा है बच्चों का? ये इनके बच्चे गर्मियों में 6-7-8 घंटे खुद उड़ते हैं, ये सादे उड़ते हैं जी। और बस इनको उड़ाने वाला होना उड़ाने वाला होना चाहिए जी, सही ये बात बस है। सिर्फ खुराक के दम पे ही ये कबूतर उड़ते हैं, मेंटेन करने वाला हो इनको। बाकी ये कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं। ये इनमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ये कबूतर बंद भी हो जाते हैं, डूब के भी उड़ते हैं, डूब के भी उड़ जाते हैं और ये खुल के भी उड़ते हैं टुकड़ी में भी, जैसा आप उड़ाने चाहें वैसा उड़ते हैं। सही बात है, ये उड़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है जी। जी आशी भाई, ये वाला पैर के बारे में बताइए जी। ये जोड़ा भी मैंने लगाया है, ये नर है जी, और ये कबूतर मेरे यहाँ गर्मियों में बहुत अच्छा उड़ा हुआ है, शाम शाम तक उड़ा है ये कबूतर, तो इसको मैंने जोड़ में डाल के रखा है जी। और ये मादा भी इससे मैंने डाली है। इनको चीने बोलेंगे इनको भी जी? जी चीने बोलेंगे, हमारे यहाँ इनको चीने बोलते हैं। और ये बहुत अच्छी उड़ान है इन कबूतरों की, तो इसको ये नर को इस मादा से भी मैंने डाला है जोड़ा में। चले इनके आग का शौक करते हैं अपन जी, देख लीजिए साइज भी बहुत वो है, साइज इनका बिल्कुल मीडियम है जी। और इनकी आप आँख भी देख सकते हैं, पुतले भी बड़ी कर रखी है क्योंकि जी 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 अंधेरा का टाइम है जी। और ये इसके पर हैं, इस कबूतर को जब अपन उड़ाते हैं जब भी उड़ते हैं ये ऐसे नहीं उड़ते। और ये इनके पंजे हैं जी, बाकी ये कलर है कबूतर का, ये वाली मादी है। मद्रासी के अंदर तो कोई कलर नहीं देखा जाता, उड़ान देखी जाती है, बस उड़ान ही है। और ये मादा है जो मैंने अभी इसे डाली है, ये मेरे एक दोस्त हैं रायपुर में, तबरेज भाई जी, ये उनके घर की नस्लों में की कबूतरी है, तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये मादा उससे नर से अभी मिलाया हूँ उसको। और ये कबूतरी हमारे दोस्त के पास एक कली का बच्चा था, तो ये गर्मियों की उड़ान में ये जबलपुर रायपुर टूर्नामेंट हुआ था उसमें ये कबूतरी 2:30 बजे बैठी थी एक कली के अंदर, एक कली के बच्चे में, बहुत शानदार। और ये इस कबूतरी के पंजे हैं, और मैंने इस कबूतरी को कैद करके रखा है क्योंकि इसमें कि अब मादियाँ उनके पास बची नहीं है जी, ताकि इनके नस्लें कायम हो जाएं। हाँ, इनकी नस्लें जो हैं बरकरार रहें जी, तो अब मैंने इनको जोड़ में डाल के रखा है। ये भी पैर है जी? जी ये पैर है, ये मेरे एक दोस्त हैं, इन्होंने जोड़ा पूरा पहुँचाया है जी। तो देखें भाई शौक करें, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं ये भी। चलिए आग का शौक करते हैं अपन नर से, ये नर की आँख देखिए आप, पकड़ाई में नहीं आ रहा है, पकड़ाई में नहीं आ रहे हैं वो, मैं पकड़ता नहीं हूँ। छत भी बड़ी है ना, तो आराम से बैठ के देखा जा सकता है कबूतरों को। ये कबूतरों के पर हैं, ये अच्छे लंबे पर के कबूतर हैं और ये बहुत अच्छी परवास के हैं। और इनमें एक खास बात दिखाता हूँ आपको, आप इनके पंजे देखें इन कबूतरों के जी। ये जो है जैसे कि आजकल लोग जो पंजे डालते हैं, पंजों की फ़ोटो डालते हैं जी, तो आप देख सकते हैं इनके पंजे, ये बिल्कुल सुर्ख लाल पंजे हैं इनके जी। और इन कबूतरों का जो बॉडी जो है एकदम स्ट्रीमलाइन है और एकदम सॉफ्ट कबूतर हैं ये, दिखने में जो है एकदम थोड़ा है, बड़े साइज़ के दिखते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, एकदम सॉफ्ट हैं ये। ठीक है ना, इसकी मादी दिखाता हूँ आपको, ये इसकी मादी है, ये सुरखबंद मादी है, और
और ये भी देख सकते हैं आप, ये लाल बन के कबूतर जो है, ऐसे कबूतर बहुत ही कम मिलते हैं देखने, लेकिन मादा है, बहुत ही अच्छी मादा है जी। और ये इसके पंख भी आप देख सकते हैं, लंबे पर की मादा है ये जी। और मेरे जो दोस्त हैं वो भी, इनके बच्चे बहुत उड़ाएँ, बहुत अच्छे उड़ते हैं, कबूतरों का भी रिजल्ट अच्छा। ये इनके पंजे हैं, पंजे नहीं आ रहे, आ गए जी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। हाशिम भाई इसके बारे में बताइए। ये कबूतर बहुत ही अच्छे उड़े हुए कबूतर हैं ये, अपने घर के ही हैं ये जी, मेरे दोस्त के यहाँ उड़े हुए कबूतर हैं जी। अब जी अपने ही हैं समझ लीजिए जी, जी कोई वो नहीं रहता है, वो अपने दोस्त भाई के यहाँ रहे या अपने यहाँ रहे, बिल्कुल। तो ये मैंने अभी जोड़ा बनाया है इन कबूतरों का, चलिए इनका शौक करते हैं। और इनका रिजल्ट अच्छा है इन कबूतरों का, बहुत ही अच्छे उड़े हुए हैं जी गर्मियों के कबूतर जी। तो ये नर है हाथ में जी, ये नर है, और ये वाइट हैं, काली पत्ती के कबूतर हैं जी, और ये अच्छी उड़ान के भी कबूतर हैं जी, और ये इनके पंख हैं। अब क्या है, मेरे यहाँ अभी उड़ान चल रही थी तो इसके चलते मैं इन कबूतरों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया जी, तो थोड़ी सी लापरवाही हो गई कबूतरों के पंख रहता है उड़ान के टाइम पे। अपन बहुत मेहनत करते हैं कि ब्रीडिंग भी करवाते हैं साथ साथ, उड़ान भी करवाते हैं, अकेले मेंटेन नहीं कर पाते जी। ये इनके पंजे हैं जी, तो ये अभी नर दिखाया मैंने आप, अब इसकी मादा दिखाते हैं बिल्कुल जी। और ये इसकी मादा है, बेहतरीन माशाल्लाह। ये इसके पंखे मादा के जी हाँ, और बहुत ही अच्छी मादा है ये, मादा ऐसी है कि इसको किसी भी नर से लगाते हैं बच्चे उड़ाते हैं, उड़ाएंगे सही। और कुछ खास चीज़ें इसमें, लोग जो पर देखते हैं पंजों के बीच में जी, तो वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही। तो सुना है मैंने जी, सर और आजमाया भी हूँ इस, अच्छे उड़ते हैं ये जो मेरी उंगली के नीचे जो पर देख रहे हैं जी हाँ, तो इस टाइप के जो कबूतर होते हैं बहुत ही लंबा उड़ने वाले होते हैं, बिल्कुल सुना है मैंने और ऐसा देखा भी, देखा भी और एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अच्छे उड़ते थे ना। ठीक है, तो ये आपने ये जोड़ा देखा जी हाँ, अब आपको अब एक जोड़ा दिखाता हूँ। देख रहे हैं ये मद्रासी है, ये अनारी आँख के, और ये मेरे पास एक ही जोड़ा है, मैंने अभी ले के आया इनको, अनारी आँख के मद्रासी, अनारी आँख के मद्रासी है। मैंने एक ही जगह देखे थे अनारी आँख के जी, जी मुंबई के अंदर शौक कर रहा था, वहाँ पे देखे थे अनारी आँख के मद्रासी मैंने जी। चलिए आँख का शौक करते हैं इनकी जी। ये रात में ऐसे लगते हैं जैसे पीली आँख के हैं जी, जी हाँ। और ये भी देख सकते हैं आप, ये लाल वन के हैं, सुरख वन ना, थोड़ा लाइट के कारण जो है क्लियर नहीं आ पा रहा है, जैसे कि इन कबूतरों के पर भी देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छी पर, ये बुलंदी से उड़ने वाले कबूतर हैं जी, ये ऊंचा उड़ते हैं, ये इनके पंजे देख लीजिए आप, बहुत बड़े जामनी पत्ते जी जी, एकदम सुर्ख लाल पंजों के हैं ये कबूतर जी हाँ। और मेरे पास जो कबूतर हैं वो तो ज़्यादातर कबूतरों के पंजे इसी में ही मिलेंगे आपको, और मुझे ये इसी टाइप के कबूतर अच्छे लगते हैं, मजबूत होते हैं, वापसी जी, में बहुत मजबूती रहती है इन कबूतरों के अंदर। अब मैं इसकी मादी दिखाता हूँ जी, बिल्कुल ये मादे ने जी, ये इसकी मादी है, इसके पंख हैं मादी के, और आप पंजे देख सकते हैं, एक जोड़ा आपको दिखाता हूँ जी, तो चेन्नई के हैं, चेन्नई के हैं वो जी, और सभी भाइयों का करवा देता हूँ, एक जोड़ा ये है, ये चेन्नई से आई वाला कबूतर जी जी, ये चेन्नई के कबूतर हैं, और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, चलेंगे आग का शो करते हैं अपन जी जी। ये नर है ये वाला जी, ये नर है, इनका कलर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सुरमे टाइप में कबूतर है, गर्दन भी सुरमई है जी जी, और इनके पर भी आप देख सकते हैं
बिल्कुल बारीक। और एक चीज इनमें ये भी बहुत अच्छी है कि इनके दो मोर पर जो हैं बराबर हैं, बिल्कुल बराबर में हैं जी। और साइज भी इनका खड़ी बॉडी के कबूतर हैं, बहुत अच्छे कबूतर हैं छोटी हुई डील के। ये इनके पंजे हैं, ये मैं जो भी कबूतर आपको दिखाया हूँ ये सब आंध्रा साइड के कबूतर हैं जी। जो हमारे दोस्त भाई हैं वो भी, अभी मैं 6 दिन आंध्रा रह के आया लेकिन क्या है वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं था। चेन्नई के अंदर मेरी ट्रेनिंग थी जी जी, है ना 6 दिन की लेकिन 6 दिन से ये उसकी मादा है जो अभी आपको मैंने यहाँ दिखाया। इस मादा के पर हैं और इसके बड़े पर कटे हुए हैं जी, तो नहीं तो इनके पर भी दुम के बराबर में ही है जी। नौवां और दसवां पर अभी बराबर कटा हुआ है वाले। एक जोड़ा ये है, ये वाला कौन से पैर से? ये भी मद्रासी हैं जी। और ये इन जोड़ों में के बच्चे उड़ते हैं मेरे पास। अभी मैंने अभी सर्दियों में टूर्नामेंट उड़ाया जी, तो इसमें के दो बच्चे मैंने उड़ाया हूँ, एक बच्चा इसमें का गर्मियों में भी मैंने उड़ाया हूँ जी। तो ये 3-3 बजे तक गर्मियों में उड़ा इसका बच्चा, और सर्दियों में तो शाम तक उड़ा है जी। खोल के ही कबूतर बैठा ले मैंने अभी एक दो उड़ानों में इनके बच्चों को उड़ाया तो जी। चलिए इनके आग का शौक करते हैं। ये नारे जी, ये नारे है माशाल्लाह, ये भी आप देख सकते हैं साइड बहुत छोटे पर आ रहे हैं। और ये इसके पैर हैं, मादा है ये कलंकी मादा है जी। और इसके बच्चे भी कलंकी ही बनते हैं। अच्छा, दोनों के बच्चे कलंकी निकलते जी। हैं जी, हमारे यहाँ मकोए बोलते हैं जी, मकोए अपने सब जगह मकोए बोलते हैं, खाली शहरों में कलंकी कलंकी भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बच्चे उड़ाती है मादा भी। और जैसे कि आप देखें मादा में एक खूबी भी है, पंजे बंद कर रही है, पंजे के साथ साथ इनमें जो हल्के सी जो नली मोज होते हैं कबूतर जी वो भी हैं, वो भी हैं मादी में। और ये खूबी बच्चों में भी आती है इसके, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। ठीक है जी, देखिए आप, ठीक है छोड़। और ये है मद्रासी का जी, इनमें कलर डिफरेंशिएशन है जी, ये अलग कलर है, अलग कलर है ये, और अच्छे खूबसूरत भी लगते हैं और उड़ते भी अच्छे हैं ये कबूतर। चलिए आग का शौक करते हैं अपन, खिंचवाते हैं, सब शर्मिले हैं खींचते ना हम लोग। और ये नर है, देखिए क्या जबरदस्त आँख है इसकी माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए आप पकड़ते नहीं ना तो हाथ में ही नहीं आते हो। ये इन कबूतरों के पंजे देख रहे हैं ना, ठीक है। ये मादे ने, ये मादे है और जी अब आपको एक गिरेबाज जोड़ दिखाता हूँ मैं, जो मैं जिन कबूतरों का संभाल के रख रखा है आपने जिसको जी। और जी मेरे यहाँ के गिरेबाज कबूतर हैं, एक ही जोड़ा है आपके पास? जी एक ही जोड़ है, ये मैंने बचा के रखा है जी, और लाल बाजरे बोलते हैं जी। और ये हमारे यहाँ के चैंपियन कबूतर हैं, इसमें हमने चैंपियन इनाम भी जीता है माशाल्लाह इन कबूतरों में गर्मियों में जी जी। ये जोड़ों में का पट्टा था जो चैंपियन बना था, और वो भी मैंने दे दिया उठा के, सिर्फ ये जोड़ा रखा है मैंने बचा के। सही बात है, एक नस्ल तो मेंटेन कर रखी है आपने बिल्कुल हमेशा के बस लिए। ये शौक के तौर में एक जोड़ रखा हुआ हूँ। ये मादिन है, ये नर है, ये नर है कालिया जी जी। और ये बहुत अच्छे उड़ने वाले कबूतर हैं, ये बंद होकर उड़ने वाले कबूतर हैं। और ये तो मेरे यहाँ इसमें के कुछ पट्टे ऐसे हैं कि वो शाम शाम तक भी उड़े हैं, लेकिन अब वो दौर नहीं है गिरेवास कबूतरों का।
वो वापस आएगा दोबारा एक टाइम जी, हाँ, ऐसा होगा जी, लेकिन मिल जाएंगे गिरेवास जी। देखें भाई ये मादी है, बेहतरीन माशाल्लाह। ये जोड़ जो दिखा रहा हूँ आपको, इसके बच्चे हमारे यहाँ चार चार बजे पांच पांच बजे तक उड़े हुए हैं शाम को, और उड़ान में भी तीन तीन बजे तक बैठे हैं इसमें के बच्चे गर्मियों में। गर्मियों में बस ये जोड़ बचा के रखा हूँ, बाकी सब मैंने दे दिया। अब इतना कबूतर रखने के लिए सही बात है, मेंटेन करने के लिए बहुत वो है, ठीक है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हाशिम भाई आपसे एक और सिर्फ क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो हमारे और कबूतरबाज दोस्त हैं उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहें तो वो आप दीजिए, ताकि सब जगह वो टिप पे आपके टिप्स लेके वो कबूतर उड़ाएं, क्योंकि जो भी मेरे चैनल से जुड़ा हुआ वो सब नए हैं बिल्कुल, मतलब मैं भी नया हूँ खिलाड़ी और मेरे जो दोस्त जुड़े हुए वो भी सब नए। मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा कि जो भी भाई अगर कबूतरों का शौक़ रखते हैं जी, तो शौक में तो भाई शौक बड़ी चीज़ है, और शौक में महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता जी। तो कबूतर 20 ना खरीद के 10 ना खरीद के 5 खरीदें, अच्छे खरीदें, अच्छे खरीद कबूतर आप रखेंगे तो अच्छे उड़ेंगे। बिल्कुल सही, और उड़ने वाला ही कबूतर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा भी जिस शहर में जो कबूतरों का शौक़ होता है, जैसे जिस शहर में गिरेवास कबूतरों का शौक़ होता है, जिस शहर में मद्रासी का होता है पंजाबी का, तो उसी हिसाब से कबूतर रखें भाई। समय के हिसाब से आप अपनी सोच भी बदलें जी, और कुछ अच्छा करने की सोचें। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल आप कामयाब होंगे और अच्छा अपना और अपने शहर का नाम करेंगे भाई। जी ये कबूतर जो अभी उड़े हुए जी, जिनने शाम की अभी ये सब जी, यही कबूतर है जिनने शाम की है, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे आप यहाँ से ये सारे कबूतर। अब क्या रोशनी भी ऐसी हो गई बिल्कुल अंधी, अंधेरा हो चुका है जी। ये कबूतरों का यहाँ उड़ान वाले कबूतर जी, नेक्स्ट टाइम की वीडियो में बिल्कुल बारे में अपन की इनको बिल्कुल बताएंगे इनकी जी जी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है भोपाल पिजन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव वेरी गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।